फ्रेंड्स आई एम एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे बालों की की बाल जो है वो चेहरे सुंदरता को बढ़ाते हैं बाल जो है अगर देखने में अच्छे हैं खिले खिले हैं सिल्की हैं और ड्राई नहीं हैं और फ्रीज फ्री हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खुद को भी इंसान को बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे बाल बहुत अच्छे हैं उनका फेस जो है वो भी बालों के कारण खूबसूरत लगता है तो हर एक इंसान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसे बाल जो हैं वो घने और अच्छे और सिल्की पसंद हैं अब बात करते हैं कि बालों को हम आजकल जो जो मौसम चल रहा है जैसे कि आज सर आजकल सर्दी का मौसम है और इसमें हम गर्म पानी से हेयर वॉश करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो बाल हैं वो बहुत ही फ्रीजी नज़र आते हैं ड्राई नजर आते हैं उसका कारण ये है सबसे पहला कारण जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका खाना पीना है आप जो है पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं मतलब कि चाहे सर्दियाँ हैं सर्दियों में है, देख मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी जो है जितना वो गर्मियों में लेते हैं उसके कंपेरेटिवली वो बहुत ही कम लेते हैं वो पूरे पूरे में एक एक गिलास लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना जो पानी का इंटेक है ये नहीं मैं थर्टी टू फिफ्टी एम एल होना चाहिए आपका हर एक घंटे में तो उसके अकॉर्डिंगली जितना भी बनता है एक लीटर या डेढ़ लीटर तो उसके आपको वो पानी लेना चाहिए नंबर टू पे आती है हमारी डाइट डाइट जो है हम क्या करते हैं सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा जो खाना वाना है वो तो खाते रहते हैं मतलब कि सर्दियों में गरम-गरम फूड तला हुआ फूड ये सारा कुछ खाना पसंद है लेकिन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलड्स हैं उनको खा खाते ही नहीं हैं जूसेस जो है वो भी कम लेते हैं तो उसके कारण भी हमारा जो बालों में जो अच्छी सेहत बनी होती है वो भी रह जाती है अब नंबर थ्री पर आता है कि हम अपने बालों को क्या ऐसा करें क्या ऐसा पोषण दें आ, कि हम अपने बालों को जो है वो सिल्की और स्मूथ रखें अब मेरे जो कलीग हैं वो मेरे से पूछते हैं कि आप डेली हेयर वॉश करते हो आपके बाल जो है कभी भी ड्राई नहीं लगते हैं आपके बाल जो है देखने में बड़े अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते हो मैंने जो बताया कि मैं आ, जो है पानी जो है वो सही ढंग से पीते हूँ अपने खाने को भी कोशिश करते हूँ कि खाना जो है वो सही रखूँ हाई फाइबर डाइट लूँ और जितना हो सके होल फूड यानी कि जो की प्रकृति ने दिया है जैसे कि फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको सैलड के रूप में या फ्रूट्स के रूप में खाना चाहिए अब नंबर थ्री पे आता है कि बालों को हम आ, आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो एक बात याद रखिए कि आप अपने बालों को जब भी हेयर वॉश करते हैं तो उससे पहले ऑयलिंग कर लें अब ऑयल जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी रात रखना है या दिन भर रखना है ठंड के मौसम में ठंडा हो जाता है तो इसलिए नोटे आधा घंटा या एक घंटा आप अच्छी तरह से उसे गर्म कीजिए और अच्छी तरह से ऑयलिंग करके उसके बाद ही हेयर वॉश कीजिए। हेयर वॉश जब आप करते हैं तो गर्म पानी से हेयर वॉश ना कीजिए हल्का गुनगुना कर लीजिए क्योंकि आजकल ठंडा पानी होता है तो इसलिए ठंडे पानी से भी नहीं धो सकते तो हल्का गुन गुनगुना पानी सॉरी गुनगुना पानी कर लीजिए और उससे हेयर वॉश कीजिए नंबर थ्री पे आता है कि आपको हफ़्ते में एक या दो बार अगर आपके बाल जो है बहुत झड़ रहे हैं या फ्रीज हो रहे हैं तो आपको हफ्ते में एक बार या दो बार अगर आप नेचुरल तरीके से करते हैं तो आपको क्या करना है चावल लेने हैं दो चम्मच चावल लेकर या आप अपने अ, मेरे तो दो चम्मच ही इनफ होते हैं क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं आप दे अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आप उसका अ, बड़े वाले स्पून लीजिए दो चम्मच उसको डबल पानी मतलब कि उसमें एक कप पानी डाल के उसको अच्छी तरह से पकाइए और अच्छी तरह गला लीजिए जो हम खाने के लिए चावल गलते हैं वैसे नहीं करने हैं उससे भी ज्यादा अच्छी तरह ताकि उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन सके और दूसरी जब आप ये इसको पेस्ट को मतलब ये अच्छी तरह गल जाएंगे और उसमें पूरा नहीं सुखाना है उसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए आ, हो सके तो ज़्यादा भी पानी डालिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको साइड पे रख लेना है और सेकंड नंबर पर फ्लैक्सीड जिसे कि अलसी के बीज कहते हैं वो आपको दो चम्मच लेने हैं उसमें भी आपको बड़ा वाला कप या फिर डेढ़ गिलास पानी डालकर उसको बॉयल करना है तो जल जब वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको आपने किसी कपड़े से छान लेना है अब इन दोनों को छानने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसको आपने मिक्सर में डालना है और इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेनी है अगर आप देखेंगे कि हाँ वो पेस्ट जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसको ऐसा बना लिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रीम की तरह हो जाए और आप अपने बालों में लगाइए वो एक तरह से कैरेटिन ट्रीटमेंट हो जाएगा और इसके साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा जो है वो एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नेचुरल मतलब कि आपके घर में एलोवेरा की पत्तियां लगी हुई हैं तो उसमें से जेल निकाल लीजिए और उसमें एटलीस्ट दो तीन स्पून डाल लीजिए अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं और इसको और थोड़ी सी ग्रीसलिन भी डाल लीजिए एक चम्मच ग्रीसलिन इसका अच्छा सा पेस्ट बना के अपने बालों में जैसे इतना बाल लेने हैं जैसे हम मेहंदी लगाते हैं उस तरह से लगाइए उसको एक से डेढ़ घंटा तक रखिए आप रखने के बाद उसे माइल्ड जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उससे धो लीजिए मतलब कि अच्छी तरह से निकाल के उससे धो लीजिए तो आप देखेंगे आपके जो थ्रीजी हेयर हैं और रफ हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे मेरे से मतलब कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि घर में आप थोड़े से पैसों से जो आपके घर में चीजें हैं मे भी किसी के घर में फ्लैक्सीड ना हो लेकिन आजकल हर एक इंसान जो है वो फ्लैक्सीड के बारे में जानता है और फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीजों के बारे में जानता है बहुत सारे लोग खाते भी हैं तो आप उन दोनों का मिक्सर बना के उसमें एलोवेरा डाल लीजिए अगर एलोवेरा नहीं भी डा, वैसे तो एलोवेरा डालेंगे तो उससे भी हेल्दी होता है तो आप उसमें वाइटामिन ई e के कैप्सूल भी डाल सकते हैं उसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं और भी उसमें जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं ग्रीसलिन भी डाल सकते हैं उससे क्या होगा कि आपके जो हेयर हैं उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप देखेंगे कि हाँ और इसके साथ साथ आपको मतलब कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना है जैसे कि मैंने बोला पानी लेना है सब्जियां और फ्रूट्स खानी है जूसेस नहीं ना लेके आपको फ्रूट मतलब कि होल फ्रूट या होल वेजिटेबल लेनी है जो सैलेड के रूप में आप खा सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आप अगर इसको दो से तीन बार यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बालों का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है और आपके भी बाल मेरी तरह शाइन कर रहे हैं हेल्दी लग रहे हैं आई होप कि आपको ये जो है होम मेड जो नुस्खा है ये पसंद आया होगा अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड स्टेलेस